नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। जहाँ एक तरफ कोविड वैक्सीन को भारत में हरी झंडी मिल गई है, वहीं दूसरी ओर कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर लोगों के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। वो सारे सवाल क्या हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में किए एक सर्वे के मुताबिक 11,000 लोगों पर की गई स्टडी से कुछ ऐसी बात सामने आई है कि हर 10 में से 5 लोग वैक्सीन लगवाने के इच्छुक हैं, लेकिन हर 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन पर संदेह है और वे इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही वैक्सीन लगवाने पर अंतिम फैसला लेंगे। सर्वे के मुताबिक 10 में से एक व्यक्ति ऐसा भी निकला जिसे वैक्सीन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो वैक्सीन लगवाने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। हालांकि युवाओं के मुकाबले बुजुर्गों के मन में ज्यादा आशंकाएं हैं। हर 10 में से 6 बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने के पक्ष में नहीं है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। आपको पता होगा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को BCG की वैक्सीन दी जाती है। हो सकता है आपने अपने बच्चों को भी दी हो और आपने भी लगवाई हो। ये वैक्सीन आगे चलकर TB जैसी खतरनाक बीमारी से रक्षा करती है, पर इस वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, और जब आप इसे लगवाते हैं तब आप इसके साइड इफेक्ट के बारे में पूछते भी नहीं है। जब ये टीका बच्चों को लगाया जाता है तो शरीर के उस हिस्से में एक निशान बन जाता है, लेकिन इस वैक्सीन का प्रभाव इतना अच्छा है कि इन छोटी मोटी साइड इफेक्ट को अनदेखा कर दिया जाता है। चिकित्सा की भाषा में इसे सुपरवाइज निग्लेक्ट कहते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए भी आपको यही फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। चिकित्सा विज्ञान में भविष्य से पहले वर्तमान की चिंता की जाती है, इसीलिए आप भविष्य से पहले वर्तमान की चिंता कीजिए। वैक्सीन की मदद से अगर आप आज की चिंता करेंगे तभी आप कल देख पाएंगे। अब आते हैं उन सवालों पर जो वैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन कितनी सुरक्षित है? आपको बता दें, वैक्सीन को मंजूरी देने से पहले हजारों लोगों पर इनका इस्तेमाल किया गया है। किसी वैक्सीन को अनुमति तभी दी जाती है जब उनका पूरी तरह से सुरक्षित होने का भरोसा होता है। भारत में वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक उन्हें मॉनिटर किया जाएगा और अगर किसी को भी कोई परेशानी हुई तो तत्काल में उसका उपाय किया जाएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरा सवाल, क्या वैक्सीन के पहली डोज से ही वो सुरक्षित हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपको वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी और दूसरी डोज लगाने के 14 दिनों के बाद ही आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। अगला सवाल है कि वैक्सीन लगने के बाद आप कितने समय तक सुरक्षित रहेंगे? अब तक के रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन का असर 6 महीने तक रहेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये वैक्सीन हमारी प्रतिरोधक क्षमता को आने वाले कई वर्षों के लिए मजबूत कर सकती है। बाकी आप अपनी तरफ से सावधानी बरतें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए स्टोरी हाउ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।